लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण अंतर्गत संचालित जन जागरूकता अभियान और जन भागीदारी के कारण समुदाय में शौचालय का निर्माण कराने और उसके नियमित उपयोग करने की जन चेतना का संचार हुआ। राज्य खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व की ओर अग्रसर है। अब गाँव में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मकसद है गांव में कहीं भी कूड़ा कचरा और मानव मल न दिखे। समुदाय को सूचना शिक्षा एवं संचार की विविध गतिविधियों जैसे दीवार चित्रण, बैनर होर्डिंग, स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, माइकिंग, फ्लिप चार्ट, समुदाय आधारित जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ठोस कचरा के प्रबंधन की सफलता की कुंजी है स्रोत पर, यानी कि हाउस होल्ड स्तर पर कचरे को जैविक तथा अजैविक दो हिस्सों में अलग अलग करना। समुदाय को घर से निकलने वाले कचरे को जैविक एवं अजैविक दो भागों में अलग अलग करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा इसके लिए चयनित ग्राम पंचायतों में हरा रंग एवं नीले रंग के दो कूड़ेदान वितरित किए जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे बहुत ही कूड़ा कचरा फेंका हुआ था, इसलिए हम बहुत बीमार पड़ते। स्कूल जब जाते थे तो नाक बंद करके जाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास दो कचरे के डब्बे आ गए, जिसमें इसमें किचन का कचरा डाला जाता है और इसमें सूखा कचरा, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से जा सकते हैं स्कूल और बिना नाक बंद करे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली है। इसके तहत गांव, बसावट या वार्ड स्तर पर स्वच्छता कर्मियों का एक दल होता है, जिसमें दो या तीन स्वच्छता कर्मी होते हैं। उनके द्वारा पैडल रिक्शा से प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है। सर, जब कचरा उठाने हम जाते हैं यहाँ से, हर आदमी के पास, हर दरवाजा के सामने, वहाँ जाने के बाद सिटी बजाते हैं, लोग निकलते हैं घर से, निकलने के बाद कहते हैं कचरा मांगते हैं, कचरा देते हैं। स्वच्छता कर्मी रिक्शा से घरों से कचरा लेकर वार्ड या गांव स्तर पर बने अपशिष्ट संग्रह केंद्र पर ले जाते हैं। वहाँ कचरे की जैविक और अजैविक भाग में छंटाई होती है। पहले जिस कचरे को आदमी फेंक देते थे, उस कचरे को हमने अभी कचरा को उठाकर इकट्ठा कर उसे हमने रोजी रोजगार बनाया है, जिससे हमारा रोजी रोजगार चलेंगे, जिससे हम खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। वार्ड या गांव स्तर पर छंटाई किए हुए कचरे को छोटे आकार के मोटर रिक्शा या ई रिक्शा से ग्राम पंचायत स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU पर ले जाया जाता है। वहाँ कचरे को वैज्ञानिक तरीके से कई भागों में बांटा जाता है। जैविक अपशिष्ट को सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग विधियों द्वारा जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के हर गांव ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा स्वच्छ, सुंदर तथा ODA+ बनेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आओ बनाएं स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, समृद्ध गांव।